तो आउटलाइन हमारा ये रहा। अब आउटलाइन के बारे में अगर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इन फ्यूचर कोई और वीडियो बनाऊंगा आउटलाइन कैसे बनाते इस बारे में। लेकिन आज के ड्राइंग के बारे में मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि किसी भी चीज़ की तरफ अगर हम देखें तो हमें उसका कलर, टेक्सचर, सरफेस, शेडोज़, ये सब चीज़ें नोटिस होता है। तो अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए भी इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उनको इफ़ेक्टिवली अपने ड्राइंग में अप्लाई भी करना चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के ड्राइंग के ऊपर। इस टेडी बेयर को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पीच कलर इस्तेमाल करूँगा कलरिंग के लिए। टेक्सचर के लिए मैंने स्केच पेन इस्तेमाल किया हूँ, पिच कलर का एक ही बस कलर शेड, बस मटेरियल्स अलग अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो जो मतलब टेक्सचर और वगैरह है ना, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्राउन इस्तेमाल करूँगा या फिर थोड़ा सा स्केच पेन या फिर जेल पेन। तो उम्मीद है आप लोगों का बेसिक्स समझ चुके हैं इस ड्राइंग का। और एक बात, हम बस 30 सब्सक्राइबर्स दूर है हमारे 1K सब्सक्राइबर्स के लिए, तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ठीक है, और मैं बक बक नहीं करूँगा। उम्मीद है आप लोगों का वैलेंटाइन वीक भी अच्छा जाए, और आप सिंगल लौंडे हैं तो क्या ही कर सकते, ड्राइंग ही कीजिए, मज़ा लीजिए। और अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो किस्मत का मारा बन के और क्या गाना ही सुनिए। तेरे बगैर